हेलो एवरीवन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू द हिंदू एडिटोरियल सेशन ऑन ग्राउंड आप सभी को नमस्कार प्रणाम सप्ताह का पहला दिन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सुप्रभात सभी को और स्वागत है आप सभी का द हिंदू एडिटोरियल सेशन में आइए शुरू करते हैं आज का सिलसिला अगर आप इस सेशन में पहली बार आए हैं और इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ पर रोज सुबह आठ बजे आपकी मुलाकात मेरे साथ होती है सप्ताह के छः दिन मंडे से लेकर के सैटरडे तक जहाँ पे हम द हिंदू का एडिटोरियल उससे जुड़ी हुई वोकेबलरी एक फ़िलोसफी बेस्ड पैसेज उसकी समरी और पैसेज बेस्ड टेन क्वेश्चन करते हैं और जहाँ लगातार अपनी परफॉर्मेंस को असेस करते हुए बेहतरी के रास्ते पर हम निकल रहे हैं बिकॉज इस रीडिंग एक्टिविटी से आपको इंग्लिश सेक्शन में ओवरऑल बहुत बेनिफिट होता है चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहां पे इंग्लिश सेक्शन पूछा जाता है सो so, जो स्ट्रक्चर है हमारा वो वही है पहले एक आर्टिकल हम स्किमिंग के लिए करते हैं यानी फास्ट रीडिंग के लिए जो कि फिलासफी बेस्ड होता है उसके बाद होती है द हिंदू की वो फिर होती है एडिटोरियल की एनालिसिस फिर उस एडिटोरियल की होती है समरी फिर हम करते हैं एडीएम ऑफ द डे जो कि उसी आर्टिकल से रिलेटेड होता है और फिर आते हैं पैसेस बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ तो सबसे पहला जो आर्टिकल है हमारा वो है इंटेलेक्ट छोटा सा पैराग्राफ और ऐसे ही छोटे पैराग्राफ आपको क्लोज टेस्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अलग अलग तरह के एग्जाम्स में मिलते हैं जो कि फिलोसफी बेस्ड होते हैं सब कुछ ठीक है ऑल क्लियर है ना सब बढ़िया चलो तो आओ शुरू करते हैं <clears throat> सेशन को पहले ही लाइक और शेयर कर दीजिएगा ठीक है Uh, you were born mortal but destined for immortality. small minded people settle for trifles like wealth, power, fancy cars and luxurious homes. the wise are unconcerned with mere playthings. they seek the permanent, for how long will you remain in kindergarten of life? move to higher, more fulfilling realms. you have two wonderful gifts, choice of action and intellect. You make choices from the time you are born. The intellect needs to be developed. Everyone has talent. To translate this talent to excellence, you need the intellect. And the intellect is developed by thinking, ponder, question, inquire. Gradually, your intellect sharpens and you are better able to guide the urges of the senses and impulses of the mind. You transform from an immature, unsteady person to a mature, reliable leader. दिस इज अ पैराग्राफ बहुत ही सिंपल सा मासूम सा कोई दिक्कत नहीं पढ़ के भी समझ आ रहा है कि हम पैदा तो हुए हैं मॉर्टल के तौर पे यानी अगर आपका जन्म हुआ है तो आप मरेंगे भी हम सभी मृत प्राय हैं मॉर्टल बींग्स हैं हमारा जन्म हुआ है हमारी मृत्यु भी सुनिश्चित है लेकिन डेस्टेंड फॉर इमोर्टेलिटी इसका क्या मतलब है कि हम कुछ अगर ऐसा कर गुजरे इस लाइफ में जो कि हमें इमोर्टल बना दे अमर बना दे तो उसकी उसकी पॉसिबिलिटी है यानी पैदा होना मरना ये तो सभी की नियत में है लेकिन अपनी पैदाइश में आप कुछ ऐसे काम कर जाएं जो आपके शारीरिक मृत्यु के बाद भी आपको जिंदा बनाए रखे वो उसके लिए हम सभी डेस्टेंड हैं अब पोटेंशियल आप अपने पोटेंशियल को कितना अनलिस करते हैं कि वो स्टेट को प्राप्त कर सकें उसकी बात है कह रहा हैं जो छोटे दिमाग के लोग हैं ना ट्रिफल का मतलब होता है जो बड़ी बेसिक चीजें हों वो सेटल होते हैं ट्रिफल चीज़ों के लिए जैसे उनके लिए पैसा बड़ा महत्वपूर्ण है पावर महत्वपूर्ण है फैंसी कारें बड़ी महत्वपूर्ण हैं उनके लिए उनके लिए लग्जूरियस होम्स बड़े महत्वपूर्ण हैं तो ये छोटे स्मॉल माइंडेड पीपल जो अपनी आंतरिक गरीबी है उसको ये सारे सामान इकट्ठा करके पूरा करने की कोशिश करते हैं जबकि दुनिया भर के जो डेटा फैक्ट्स हैं वो साफ साफ रिफ्लेक्ट करते हैं कि वो लोग जो शायद डेवलप्ड कंट्रीज़ में हैं जिनके पास खूब धन दौलत है उनकी ज़िंदगी में सबसे कम सुकून है सबसे कम चैन है बेचैनी ज्यादा है बीमारियां ज्यादा है तो ये खुद भी समझ में आता है कि भाई इससे जो आपका अधूरापन है वो दूर नहीं होने वाला लेकिन परसेप्शन यही दी जाती है और इसका ये भी मतलब नहीं कि ये स्मॉल ये फैंसी कार्स और अच्छा घर ये होना बुरी बात है इस बात को भी आपको समझना है दिस इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ योर लाइफ अगर आप हायर रेल्म के लिए जा रहे हैं आपकी अवेयरनेस का लेवल ऊंचा है तो ये चीजें आपके पीछे पीछे आएंगी लेकिन आप इनके पीछे नहीं भागोगे तो छोटा आदमी इन्हीं चीजों के पीछे भागता है कि अच्छा पढ़ाई क्यों करूंगा क्योंकि तो उसके बाद नौकरी मिलेगी और नौकरी मिलेगी ना तो ये घर खरीदूंगा ये वाली गाड़ी खरीदूंगा ऐसा ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा तो ये उसको चेज करता है तो ये कहानी थोड़ी सी उल्टी है दिखेगा दोनों के पास लेकिन जो रियल सेंस में इंटेलिजेंट लोग हैं वो अपने क्राफ्ट पे अपनी चीजों पे काम करेंगे ये चीजें उनके पीछे पीछे आएंगी और ये उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित भी नहीं होंगे लेकिन जो काम ही इन चीजों को पाने के लिए कर रहा है कि घर चाहिए गाड़ी चाहिए उसकी अगर छिन जाए ना ये सारी चीजें तो बेचारा बेचैन हो जाता है द वाइज आर अनकसर्नड विद मेयर प्ले थिंग्स जो समझदार लोग हैं बुद्धिमान लोग हैं वो अनकंसर्न है उनको इससे फर्क पड़ता नहीं और उनके लिए प्ले थिंग्स हैं जैसे बच्चों के खेलने की चीज़ें दे सीक द पर्मांट उनको पता है कि ये चीजें जो हैं, ये आपकी पमानेंट है और आप देखो आपकी जीवन काल में सिंघानिया साहब की कहानी रेमंड सभी ने सुनी होगी देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक और आज अपने ही जीवन काल में उनको किस तरह का जीवन जीना पड़ रहा है उनके ही कुछ गलत फैसलों की वजह से नाम है द कंप्लीट मैन बट द कंप्लीट मैन की इनकम्प्लीट स्टोरी है वो तो यहाँ पे वही बात समझ में आ रही है कि ये चीजें पॉमानेंट नहीं है आज हैं आज आप राजा हैं कल रंग हो सकते हैं रंग है राजा हैं आ, राजा हो सकते हैं तो ये तो चलेगा लेकिन अगर जो पॉमानेंट चीज है उसके साथ आप अटैच्ड हैं तो फिर चीज़ें एक अलग लेवल पे होती हैं फॉर हाउ लॉन्ग विल यू रिमेन इन किंडर गार्डन ऑफ लाइफ अगर तुम इन्हीं चीज़ें के पीछे भाग रहे हो तो ये किंडर गार्डन ऑफ लाइफ है यानी छोटे बच्चों के जैसे तुम एडमिशन कराते हो के में तो तुम के में ही खेल रहे हो जीवन में कब ऊंचे स्तर पर जाओगे मूव टू हायर मोर फुलफिलिंग रेल्स रेल्म्स का मतलब होता है दायरा और थोड़े हायर रेलम्स में जाओ ये बच्चों वाली चीज़ें हैं बचकानी चीज़ें हैं जो इन इन चीज़ों से उनके उनको लगता है कि हम उनकी भूख मिट जाएगी कह कैरा यू हैव टू वंडरफुल गिफ्ट्स हम सब इंसान के पास दो गिफ्ट्स हैं एक तो चॉइस ऑफ एक्शन है और दूसरा हमारे पास इंटेलेक्ट है यू मेक च्वासेस फ्रॉम टाइम यूर यूर बॉर्न तो च्वाइस बनाने का काम जो है क्या मैं चूज करूँ ये तो सिलसिला शुरू हो जाता है हमारी पैदाइश के साथ इंटेलेक्ट नीड्स टू बी डिवेलप्ड और इंटेलेक्ट को जरूरत है कि हम उसको डिवेलप करें एवरी वन हैज टैलेंट सभी के पास टैलेंट है लेकिन इस टैलेंट को ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेट का मतलब यहां अनुवाद नहीं है ट्रांसलेट का मतलब एक से दूसरे में बदलना है तो अगर आपके पास ये टैलेंट है तो इसको एक्सेलेंस में बदलने के लिए यू नीड इंटेलेक्ट यू नीड कि भाई आपके पास जिस फील्ड का टैलेंट है उसमें बिल्कुल एक्सेलेंट लेवल पर पहुंच जाओ एक्सेलेंस को अचीव कर लो इस लेवल पे पहुंच जाओगी तुम्हारा कोई हाथ ना पकड़ सके उस फील्ड के अंदर इसके लिए तुम्हें जरूरत किसकी होती है इंटेलेक्ट की इंटेलेक्ट इज डेवलप्ड बाई थिंकिंग और इंटेलेक्ट डेवलप कैसे होगा थिंकिंग के जरिए और थिंकिंग हो जाती है हमारी बंद खास तौर से जब रटने वाली पढ़ाई लिखाई है तो इसीलिए ये पढ़ाई लिखाई का और यहाँ पे लिखो ये जो लिखा हुआ है ना कि द टाइम यू आर बॉर्न जब से हम पैदा हुए हैं तब से चॉइसेस तो चॉइसेस कैसी बनाओगे आप माई लाइफ माई चॉइस तुम्हारी लाइफ है क्या तुम्हारी लाइफ खुद की लाइफ है क्या वो तो लगातार कंडीशनिंग की है कि मेरा आई लाइक फुटबॉल ऐसा बोलते हो क्या आप कितने लोग बोलते हैं आपके लिए आई लाइक क्रिकेट ही होगा क्योंकि आप इंडिया में पैदा हुए हैं तो अगर भारत में पैदा हुए तो क्रिकेट ही लाइक करोगे ब्राज़ील में पैदा होते तो फुटबॉल लाइक करते यानी जो आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स हैं वो भी तो बहुत डीपली कंडीशनड होती हैं आपको लगता है कि मेरी चॉइस है वो आपकी चॉइस नहीं है आप बाजार से कौन सी चीज़ खरीद के लेके आ रहे हो कौन सी क्रीम ला रहे हो कौन सा डीओ ला रहे हो <laughs> कौन सा फोन खरीद के ला रहे हो कौन सी गाड़ी खरीद के ला रहे हो एवरीथिंग इज कंडीशन तुम शादी कैसे करोगे तुम प्री वेडिंग पोस्ट वेडिंग पता नहीं क्या क्या कैसे करोगे वो सब मार्केट फोर्सेस तय कर रही है बट हमें लग रहा होता है कि नहीं हम तो कर रहे हम कर रहे हैं ये ये तो मेरे द्वारा जो है डिसाइड किया जा रहा है ऐसा नहीं डिसाइड कहीं और से हो रहा है और आपके मन में ये भ्रम डाला गया कि आप ही कर रहे हैं तो अब इंटेलेक्ट थिंकिंग के जरिए डेवलप होता है उसके लिए पौंडर का मतलब होता है मनन चिंतन करना तो मनन चिंतन करो सवाल पूछो इंक्वायर करो सिर्फ मानो मत जानने की यात्रा में बाहर निकलो तब दिमाग तुम्हारा शार्पन होता है और वही बात की शरीर के जिस अंग का हम इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं नेचर उसकी ताकत धीरे धीरे छीन लेता है तो रटने वाली पढ़ाई लिखाई में वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये दस चैप्टर ये तीन चैप्टर फाइव ईयर्स ऐसे स्कूल कॉलेज निकला है ज़्यादातर लोगों का दूसरे के नोट से कॉपी करना उसने गलत लिखा है तो खुद भी गलत लिख लो इस प्रक्रिया में दिमाग धीरे धीरे डम हो जाता है क्योंकि आपने उसको काम पे लगाया नहीं सोचने पे उसको मजबूर नहीं किया तो इसीलिए चिंतन मनन करिए सवाल पूछा करिए जिससे ये थोड़ा मजबूत हो ग्रेजुअली और इंटेलेक्ट शार्पन जब आप इस प्रक्रिया में निकलते हैं तो आपका जो इंटेलेक्ट है वो शार्पन होने लगता है शार्पन के लिए बड़े सारे होनप शब्द भी इस्तेमाल होता है होनप योर स्किल्स शब्द भी आता है शार्पन करना। तो उसके बाद आप अपने अपने सेंसेस के के को बेहतर गाइड कर सकते हैं, क्योंकि हैं। क्योंकि ज्यादातर हम मन गुलाम जैसा हमारा सेंस चाहेगा हम वैसा करेंगे तो आर मास्टर और स्लेव ये कई बार जीडी के लिए ऐसे लिखने के लिए टॉपिक भी दिया जाता है तो ज्यादातर तो स्लेव ऑफ माइंड है वो अपने सेंसेस के में के अनुसार गाइड होते हैं उनका अपने अंगों पे अपने सेंसेस पे कमांड नहीं होता राइट इसीलिए शब्द आता है ना जितेंद्रिय जितेंद्र जिसने इंद्रियों पे जीत प्राप्त कर रखी हो जिसका अपने आप पे कंट्रोल हो जो इंपल्सिस को कंट्रोल कर पाए और इस प्रक्रिया में अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आप में पूरा बदलाव आता है यू ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म कहां से एक इमच्योर अनस्टडी पर्सन से एक मच्योर और रिलायबल लीडर के लिए आप ट्रांसफॉर्म करते हैं फॉर्म हो गया स्ट्रक्चर ट्रांस का मतलब बियॉन्ड यानी जैसे पहले थे उससे पूरी तरीके से बदल गए तो आई होप ये आर्टिकल आपको समझ आ गया आसान सा था एक एक लाइन पढ़ करके ढंग से बड़े सारे एग्जाम्पल्स के साथ हमने इन बातों को समझा है आइए सुबह का ये आपका मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल डोज होता है रिफ्लेक्टिव डोज होता है कि आप अपनी जिंदगी पर रिफ्लेक्ट करें और चीजों को बेहतर करें अब आइए चलते हैं शब्दों की तरफ देखो ये जरूरी क्यों है इसके पीछे लॉजिक है पढ़ते सब हैं क्यों रिजल्ट कुछ का आता है सब वही काम कर रहे हैं क्योंकि सारा काम आपके जरिए हो रहा है यू आर द इंडिविजुअल अगर आपको खुद आप खुद को ही नहीं जानते खुद को ही नहीं समझते एक इंसान की साइकी कैसे ऑपरेट करती आप उसको नहीं समझते और जानते हो तो फिर आपका किया हुआ हर काम अनजाने में होगा चाहे वो आपकी पढ़ाई है चाहे वो आपका करियर है आपका रिलेशनशिप है उसमें कभी आपको क्लैरिटी नहीं आएगी अगर आपको खुद को लेकर के क्लैरिटी नहीं है तो ये जो पहला सेशन हम करते हैं फिलासफी बेस्ड ये पढ़ने के लिहाज से तो इंपॉर्टेंट है ही लेकिन जो मैंने कहा कि आपको आपसे मुलाकात कराने के लिए बहुत जरूरी है और आप जब अपने आप को बेहतर जानने लग जाओगे तो आप हर रेलवे में बेहतर करने लग जाओगे ठीक है इसीलिए आपके स्कूल कॉलेज में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि स्पोर्ट्स में भी अच्छे हैं पढ़ाई में भी अच्छे हैं को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर हर चीज में अच्छे हैं होते हैं कि नहीं सभी के जीवन में कहीं ना कहीं स्कूल कॉलेज में ऐसा कोई बालक बालिका मिला होगा वो जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है और आपसे एक काम अच्छा नहीं हो पाता तो कभी सोचा इसके बारे में थोड़ा चिंतन करने की आवश्यकता होती है कि कैसे चीजें अलग हैं अपने आप बहुत सारी परतें खुलने लग जाती हैं तो इसीलिए खुद को स्ट्रांग बनाओ फिर आपसे जुड़ी हुई हर चीज बेहतर होने लग जाएगी चाहे आप कुछ भी करोगे तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है इसके पीछे का चलिए जी आइए करते हैं शब्दों की शुरुआत बड़े सारे नए नए शब्द आपको मिलेंगे पहला शब्द है रिडाउंड अब आपने रिबाउंड तो सुना होगा रिबाउंड आप में से सबने सुना होगा कि पीछे वाले स्टेट पे आ जाए रिबाउंड कर जाए मार्केट रिबाउंड कर गया रिडाउंड uh, जो है टू हैव अ रिजल्ट दैट इज एन एडवांटेज टू समवन रामपाल मिश्रा मैं इंग्लिश स्पेशल 1.05 का स्टूडेंट हूँ मेरा आई बी एस है टीयर वन क्लियर हो गया है बट टीयर टू के लिए आपसे गाइडेंस चाहता हूं ओके okay, रामपाल जी आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा मुझे फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पे टीम आपको कनेक्ट करा देगी मुझसे ठीक है अभी था ध्यान रखेंगे मीनिंग क्या है ध्यान से देखो शब्दों को दिमाग में बिठा लो रजिस्टर कर लो अच्छे से टू हैव अ रिजल्ट दैट इज एन एडवांटेज टू समन यानी एक ऐसा रिजल्ट होना अपने पास जो किसी और इंसान के लिए एडवांटेजियस हो उसके लिए फायदेमंद हो द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट रिडाउंडेड टू द टीम्स बेनिफिट यानी प्रोजेक्ट की जो सक्सेस है राइट right, उसका फायदा किसको मिलेगा डेफिनेटली टीम को मिलेगा तो रिडाउन करना इज द कंट्रीब्यूट करना रिफ्लेक्ट करना रिबाउंड करना आपके ऊपर आ गया वो और डी ट्रैक्ट ट्रैक्ट का मतलब पुल करना आपसे चीजें दूर करी जा रही हैं

ऑनेस्टी एंड करेक्ट मॉरल बिहेवियर तो बड़ा पॉजिटिव शब्द है ईमानदारी और बिल्कुल करेक्ट जो नैतिक व्यवहार है आपका उसके लिए हम इसको, इसको इस्तेमाल करते हैं द जज वॉज fairness तो जज जो था वो किस चीज के लिए विख्यात था वो जज साहब अपने रेक्टिट्यूड यानी अपनी ऑनेस्टी और अपने एथिकल बिहेवियर के लिए जाने जाते थे फेयरनेस के लिए जाने जाते थे तो वही राइटियसनेस यानी बिल्कुल राइट right काम करना इंटेग्रिटी होना अपने अंदर वर्च्यूज होना सारे के सारे पॉजिटिव वर्ड हैं जबकि डिसऑनेस्टी इमोटैलिटी एंड करप्शन ये जाहिर तौर पे इसके नेगेटिव वर्ड हो गए आपको याद होगा ये शब्द मैंने पहले भी चर्चा की है आज भी कर लेता हूँ ये दोनों कन्फ्यूजिंग वर्ड में आते हैं वीनल के साथ आप कई बार ऑफिशियल या पॉलिटिशियन वर्ड सुनते हो और इसके साथ मिस्टेक वर्ड की जोड़ी बनती है हमेशा शब्दों को जोड़ियों में याद कर लो तो वीनियल का मतलब होता है पार्डनेबल यानी माफ़ी के योग्य यानी आपसे कोई एक ऐसी गलती हुई जो माफ़ी के योग्य है तो वो वीनियल है जबकि वीनियल का मतलब होता है corruptible बहुत सारे लोग इसको रट लेते हैं करप्ट होता है इसका मतलब बट करप्ट corrupt और corruptible में थोड़ा सा फ़र्क है corruptible का मतलब जिसको करप्ट बनाया जा सके राइट जिसको करप्ट बनाया जा सके अगर थोड़ी सी मेहनत करोगे तो वो इंसान करप्ट हो जाएगा दैट इज कॉल्ड करप्टेबल वीनल अगला शब्द है एल्योफोबिया तो आपको यह पता है कि फोबिया और मैनिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वन वर्ल्ड सब्सटीट्यूशन किन के लिए एस के एग्जाम्स के लिए हमेशा से आते रहे तो यहां पे जो शब्द आया हुआ है एल्यूरो मीनिंग क्या है द परसिस्टेंट एंड एक्सेसिव फियरस ऑफ कैट्स फियर ऑफ कैट्स तो अगर आपको बिल्लियों से डर लगता है ना और वो डर लगातार बना रहता है और बहुत ज्यादा डर लगता है तो उसे कहा जाता है एल्योफोबिया प्रिवेंटेड हर फ्रॉम विजिटिंग हर फ्रेंड हु उसको बिल्लियों से डर लगता था तो इसीलिए थी थ्री कैट इज वॉट दिस इज एडजेक्टिव फ्रेज यह आपका एडजेक्टिव फ्रेज है ठीक है तो अब एलिरोपोजिट हो गया अब आप जानते हो अगर फोबिया लगा हुआ है किसी भी शब्द के लास्ट में तो उसके एंटनीम में फीलिया लगा होगा क्योंकि फोबिया डर है और फीलिया उस चीज के लिए प्यार है ठीक है जैसे जेनोफोबिया शब्द है तो जेनोफोबिया का मतलब कि जो आपसे अलग आइडेंटिटी रखते हैं आप उनके लिए वेलकमिंग नहीं होते उनसे दूर भागते हैं वो है जेनोफोबिया और अगर इसके ऑपोजिट की बात करी जाए तो वो हो जाता है जेनोफीलिया ये दोनों शब्द किस तरह की ग्रामेटिकल प्रोफाइल से बिलोंग करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर एग्जाम में आ जाए व्हाट इज वन वर्ड फॉर द पर्सन जो कि अपने से अलग आइडेंटिटी के लोगों को चाहता नहीं उनको उनके लिए वेलकमिंग नहीं होता उनके लिए पॉजिटिव आइब नहीं होती उस इंसान को जेनोफोब कहा जाएगा और जो अपने से अलग के लोगों के लिए हो, वो कहा जाएगा ऐसा समाज जो अलग एथनिक ग्रुप के लोगों के लिए वेलकमिंग नहीं होता उसको जेनोफोबिक सोसाइटी कहोगे और ऐसा समाज जहां पे हर जगह के लोग हर बैकग्राउंड के लोग आकर के रह सकते हैं उनके लिए कंप्लीट एक्सेप्टेंस होती है वो जेनोफिलिक सोसाइटी होगी तो यही है वो कैब की गणित वो कैब का मैथमेटिक्स साइंस जो चाहो कह लो ये सिर्फ ग्रामेटिकल प्रोफाइल का फर्क है दिस इज वॉट ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये क्या है ये कॉमन नाउन है और ये ये एडजेक्टिव है तो जब भी हमें पूछा जाता है तो जो क्वेश्चन वर्ड का ग्रामेटिकल प्रोफाइल है उसी प्रोफाइल का हमें ऑपोजिट चाहिए होता है तो इस बात का ध्यान रखेंगे अगला है अनप्रेसिडेंटेड बहुत कॉमनली यूज वर्ड है सब जानते हैं देखो जैसा पहले नहीं हुआ प्री का मतलब पहले अन का मतलब नहीं ऐसा पहले नहीं हुआ नेवर हैविंग हैपेंड और एग्जिस्टेड इन द पास्ट तो कोई चीज जो पहले घटित ना हुई हो एग्जिस्ट ना करी हो वो अनप्रेसिडेंटेड है द ग्लोबल पैंडमिक लेड टू एन अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन वर्ल्ड वाइड राइट तो जैसे कोविड था तो कोविड वॉज एन अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन उस तरह का कभी हमने नहीं देखा जो है, ही नहीं करी जा सकती ही मतलब होता है kind, आप जैसा कोई नहीं ठीक है और नॉर्मल कॉमन डेफिनेटली इसके क्या हो गए ऑपोजिट हो गए अगला शब्द है रिक्रिय कावर्डली अनफेथफुल टू ड्यूटी और एलिजियंस जो इंसान कावर्डली बिहेव करे कावर्डली पर्सन हो या वो अपने कर्तव्य और अपने एलिजियंस जो उसका बिलीव सिस्टम है जिस समाज से आता है उसको लेकर के वो अनफेथफुल हो जिसको हम एपोस्टेट भी कहते हैं आपने सुना होगा कई बार वन वर्ड में ये शब्द भी आया हुआ है तो उसी के लिए शब्द है रिक्रिएट भी इसको रिक्रिएशन से मत जोड़ लेना रिक्रिएशन मनोरंजन होता है ठीक है याद आ रहा होगा कुछ कुछ लोगों को रिक्रिएशन आपका मनोरंजन है और दूसरा जो शब्द आता है वो है प्रोक्रिएशन वो है प्रोक्रिएशन तो रिक्रिएशन एंड प्रोक्रिएशन प्रोक्रिएशन क्या होती है भाई प्रोक्रिएशन होती है पैदाइश जब आप अगली जनरेशन को पैदा करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोक्रिएशन प्रोक्रिएट करना द नाइट वॉज डीम्ड रिक्रिएट आफ्टर ही फ्लेड द बैटल फील्ड अब जो योद्धा था उसको क्या मान लिया गया कि वो रिक्रिएंट है जब वो बैटल फील्ड को छोड़ करके भाग गया फ्ली का सेकेंड फॉर्म होता है फ्लैड राइट right? तो डीम्ड यानी उसको रिक्रियंट मान लिया गया कि भाई बैटल फील्ड छोड़ करके वो भाग गया तो बैटल फील्ड में लड़ रहा है तो यानी वो अपनी सेना के लिए भी क्या साबित हुआ अनफेथफुल साबित हुआ उस पर भरोसा नहीं किया जा सका वो उस पर्टिकुलर आर्मी का हिस्सा था लेकिन वो मैदान छोड़ के भाग गया तो अपने लोगों के साथ उसने धोखा किया और दूसरी बात कि उसका ये कंडक्ट उसका ये बिहेवियर क्या दिखाता है कि ही इज अ कावर्ड

Miniscule. अब देखो माइन्यूट शब्द भी आप जानते हो ना वो माइन्यूट में एन मा यू आता है माइन्यूट और माइन्यूट एक बड़े प्यारी से कैटेगरी का एग्जाम्पल भी है वो कैब के वो कैटेगरी का नाम क्या है उसको हम कहते हैं होमोग्राफ ये होमोग्राफ का उदाहरण है ग्राफ का मतलब होता है राइट right करना यानी जिसको आप लिखते तो एक जैसे हो लेकिन अलग अलग उच्चारण अगर आप इसको मिनट बोलो तो ये नाउन हो जाएगा और इसको माइन्यूट बोलो तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं होमोग्राफ आप लिखते तो एक जैसे हो बट उनका उच्चारण उन्हें अलग बना देता है ठीक है सो दैट इज दैट इज वॉट होमोग्राफ ह्यूज जाइगैंट्रिक एनॉर्मस हो गया बड़ा अगला शब्द है एक्सीजीट बहुत सुनते हैं आप इसको एक्सीजीट एक्सीजीट किसी के नाम के साथ पब्लिक पर्सन है वो देखा है आपने ये शब्द गुरु जी बहुत अच्छे वर्ड्स है मजा आ रहा है बड़ा अच्छी बात है हाँ जी पढ़ पहले पढ़ लो अ पर्सन स्किल्ड इन एक्सेजिस एंड इंटरप्रेटर ऑफ टेक्स्ट मैं देख रहा हूँ कितने लोग कितने अलर्ट होकर के चीजों को ऑब्जर्व करते हैं अजीत कुछ और ज्ञान ले रहे हैं सर इंग्लिश का टॉक शो जो देखते हैं सब टाइटल के साथ देखें या बिना सब टाइटल के इंग्लिश का टॉक शो देख रहे हो तो इंग्लिश में ही देखो मतलब सब टाइटल उसका हिंदी में करके देखने का कोई मतलब तो है नहीं तो या इंग्लिश में जो लिखा हुआ आ रहा है उसको भी अब होता क्या है ना कि अगर आपके दोनों सेंसेस आपके कंट्रोल में देखना और सुनना तब तो आप कर लो कोई दिक्कत नहीं बट एट अ टाइम एक ही करो तो ज्यादा अच्छा है तो सुन रहे हो तो सुन करके ही धीरे धीरे उसको समझने की कोशिश करो कि जो उच्चारण है मैं उससे शब्दों को समझ पाऊ ठीक है शिल्पा पी डी एफ यहाँ पे आप देख रहे हो ना एक क्यू आर कोड बना है ये मेरे टेलीग्राम चैनल का है तो आप इसको स्कैन कर लेंगे इंग्लिश एक्सपो विद सत्येंद्र तिवारी वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए वहाँ बहुत सारा कंटेंट है साथ ही साथ इसकी जो स्टूडेंट कॉपी है वो भी वहाँ उपलब्ध होती है और साथ ही साथ वो करियर वेल ऐप पे भी अवेलेबल होती है तो मेरे पे तो बिल्कुल क्लियरली टाइम ये सेशन के बाद पहुँच जाएगी नहीं सुना आपने कहाँ पर आप आचार्य प्रशांत को जानते हैं राइट तो आचार्य प्रशांत के परिचय में कई बार ये नीचे एक्सीजीट शब्द लिखा जाता है वेदांत एक्सीजिट और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था 2014 में करीब करीब मैंने छः महीनों के लिए आचार्य प्रशांत के साथ काम किया था तो आज से करीब करीब दस साल पहले आज तो आप ही इज़ अ वेल नोन पर्सन तो उस समय सोशल मीडिया पे उस लेवल की रीच नहीं थी जैसे आज की है तो उनके लिए ये शब्द इस्तेमाल होता है तो एक्सीजीट या एक्सपोनेंट हम उसको कहते हैं जो इंसान किसी गूढ़ बात को जिसको आम जनमानस को समझने में बहुत मुश्किल होती है उसको जो आसानी से समझाए और बहुत ही अच्छे लेवल पे ले जाकर के समझाए सही तरीके से उसका इंटरप्रटेशन करे उसको एक्सीजीट कहा जाता है तो जो एक्सजेस वही होता है इंटरप्रटेशन एंड इंटरप्रेटर ऑफ ऑफ टेक्स्ट टेक्स्ट द द प्रोवाइडेड अ डिटेल्ड रिलीजियस इंटरप्रेटर एनालिस्ट कमेंटेटर जिसको हम कहते हैं इनकी कमेंट्री ठीक है नॉन एक्सपर्ट लेपोसन इसी एक्सपर्ट के लिए एक शब्द और आता है एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट आपने जरूर सुना होगा किसी भी फील्ड में जो बिल्कुल

प्रिमोनिशन का मतलब पहले से ही भय हो जाता है यह शब्द आपको देखने को मिलता है जब आप ये जो हमारे चैनल्स हैं ना डिस्कवरी या इस जैसे जब वो एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कोई शो बनाते हैं तो कई बार उसमें आएगा कि, कि किसी इंसान को उस उड़ान से पहले इस बात का आभास हो गया था कि ये उड़ान क्रैश होने वाली या कुछ गड़बड़ होने वाला है तो उसी को हम प्रिमोनिशन कहते हैं ठीक है प्रीसीडेंट शब्द भी हमने किया था पहले से ही ज्ञान होना तो प्री सेंटिमेंट वही है

तो एक स्पीकर के द्वारा ऐसी गलती जिसमें पहले जो दो साउंड हैं टू वर्ड्स के वो चेंज ओवर हो गए चेंज हो गए और उसका जो परिणाम निकल के आया सुनने वालों के लिए बड़ा हास्यास्पद रहा यू हैव ऑल एंड वर कॉट फाइटिंग अ लायर इन द क्वाड इज अरिज्म फॉर यू हैव मिस्ड ऑल माई हिस्ट्री लेक्चर्स अब हिस्ट्री की जगह पे अब देखो यहां पे क्या हुआ ये था मिस्ड ये मिस्ड था और ये था हिस्ट्री तो इसका जो आ, मतलब एच आई है एच आई है वो इधर आ गया हिस्ड हो गया और ये आपस में इंटरचेंज हो गया तो वही यू हैव मिस्ड ऑल माई हिस्ट्री लेक्चर्स तो मिस्ड की जगह पे बोल दिया हिस्ड और हिस्ट्री की जगह पे बोल दिया मिस्ट्री तो इसका एम आई इधर कर दिया इसका एच आई इधर, इधर कर दिया इसी को स्पिनरिज्म कहते हैं एंड वर कॉट लाइटिंग ए फायर इन द क्वाड तो यू हैव हिस्ड ऑल माई मिस्ट्री लेक्चर्स मेरे मिस्ट्री लेक्चर्स को तुमने हिसिंग साउंड के जरिए धीरे धीरे बोल के दूसरे के कानों तक पहुंचाया तो मुझे लगता है ये वर्ड भी आप में से नाइनटी नाइन परसेंट के लिए नया होगा ठीक है स्पूनरिज्म इंग्लिश में इतने मज़े हैं ना मतलब अगर मज़े के तरीके से पढ़ना शुरू कर दो अब इतने सारी कैटेगरीज हैं वर्ड्स के हमें लगता synonym, antonym, वो है सिननी इवेंटनीम कैब है भैया सिननी इमेंटनीम होमोफोन्स पैरोम्स होमोनीम्स होमोग्राफ यू नो लॉट्स ऑफ कैटेगरीज आर देयर और इंटरेस्टिंग वंस एनी वे सो सिनिंग वही है स्लिप ऑफ द टंग जिसको कहते हैं जमान फिसल जाना और एंटरिंग वही हो गया करेक्ट प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर स्पीच ढंग से बोल रहे हो एक और शब्द है मेला प्रॉपिजम जो आपको मैं कराता हूँ यह भी एपोनिमस कैटेगरी का वर्ड है मिसेज मेला प्रॉप नाम के एक करेक्टर से आता है जो कि एक नॉवल की कैरेक्टर थी राइट जिसको बोलना कुछ और होता था और बोल कुछ और देती थी उसी को मेला प्रॉपिज्म कहते हैं मिसेज uh, मेलाप्रॉप के नाम से आया हुआ है ये जैसे आपको एलिविएट बोलना हो और आप बोल दें एलिवेट तो एलिविएट का मतलब होता है बीमारी का दूर होना और एलिवेट का मतलब बीमारी का ऊपर चला जाना या एलिवेट इन जनरल का मतलब होता है ऊपर चले जाना तो माई डिजीज गॉट एलिविएटेड ये बोलने के बजाय गॉट एलिवेटेड आपने बोल दिया तो बोलना था बीमारी खत्म हो गई और बीमारी ऊपर बढ़ गई चल ऊपर बढ़ गई या बढ़ गई ये मतलब आपने बोल दिया तो ऐसी प्रॉब्लम को मेलाप्रोपिज्म कहते हैं क्योंकि ये जो कैरेक्टर थी ना मिसेज मैलाप्रॉप उस नॉवेल में उससे ऐसा ही स्लिप ऑफ टंग होता था जो बोलना होता था उससे अलग बोल जाती थी और वो बड़ा हास्यास्पद होता था अगला शब्द है सुपरोगेटरी गोइंग बियॉन्ड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ड्यूटी यानी जो ड्यूटी की आवश्यकताएं हैं जब आप उससे बियॉन्ड चले जाते हैं हिज सुपरोगेटी एफर्ट्स इन द प्रोजेक्ट वर हाईली अप्रिशिएटेड मतलब आपसे जितनी उम्मीद करी जाए आप अपना दो सौ परसेंट किसी चीज में दे दो हंड्रेड परसेंट तो होता है कि जितनी जरूरत है उतना दिया आपने 200%, तो सामने वाला क्या देख रहा है कि भाई आप तो अपनी ड्यूटी के रिक्वायरमेंट्स के बियॉन्ड जा रहे हैं तो सुपर शब्द आया ही हुआ है तो एक्स्ट्रा सरप्लस जबकि एंटरिंग क्या हो गया नेसेसरी रिक्वायर्ड इसेंशियल आइए अब चलते हैं एडिटोरियल की तरफ बट उसके पहले आपसे फीडबैक कैसा लगा वो कैब का डोज आई थिंक काफी सारे नए शब्द आपने सीखे हैं वाकई मजा आता है सर आपकी क्लास के में समझने में चलो अच्छी बात है दिव्या रमेश सर डेली देखता हूं तो बहुत देखने की कोशिश करती है मैं बहुत तेज हूँ और सर का थोड़ा कंट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन मिल जाए सर का कॉन्ट्रैक्शन या टेंशन चलो अतुल कह रहे हैं बवाल सर बवाल क्या बात है मेरी वोकेबलरी आप लोग अच्छा करेंगे कोई कत्तई जहर वाला भी है कत्तई जहर बवाल <laughs> चलो आओ अब ध्यान से एटोरियल को पढ़ते हैं सबसे पहले आपको समय दूंगा ब्रीच ऑफ कन्वेंशन आप एक बार पढ़ लें अगेन इंटरनेशनल मामला है यहां पे इक्वाडोर आपको दिख रहा है सिस्टम हैंग कर दिया सर क्या बात है सेशन को कर दो लाइक हर पड़ाव पे लाइक कर दिया करो <laughs> जब अगले पड़ाव पे हम स्विच करें पहला फिलासफी वाला आर्टिकल जिनसे छूटा हुआ लाइक कर दें फिर वकैब के बाद फिर आर्टिकल के बाद समरी के बाद इतने मौके मिलते हैं सर मजा आया सर बट इंग्लिश से बहुत डर लगता है को था कर दो शल्पा डर दूर हो जाएगा बाकी पढ़ने की ज़रूरत है अगर अंग्रेजी ढंग से उसके लिए तो बैचेज़ हैं बैचेज में आ जाओ वहाँ क्लैरिटी ले लो डर दूर हो जाएगा यहाँ मज़ा आना शुरू हो गया ना डर भी भाग जाएगा डर इसलिए होता है क्योंकि वो चीज़ क्लियर नहीं है हम रट के पढ़ते हैं शॉर्टकट लेके पढ़ते हैं तो जो चीज़ क्लियर नहीं है वो अंदर अंदर तो हमें डराएगी ना अब कमांड आ रही है अखिलेश <coughs> चलो पढ़ लें देखो आ, आर्टिकल को रीड करने में ना एक बड़ा बैरियर बैकग्राउंड नॉलेज न होना भी होता है जब मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में शुरुआत करता हूं तो आरसी जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं उसको मैं रॉयल चैलेंज भी कहता हूं और फिर सवाल ये भी पूछता हूं क्लास में कि आप सभी को पता है कि शुड रीड न्यूज पेपर्स मैगजीन्स आर्टिकल्स बट ये ज्ञान होते हुए भी हम क्यों नहीं कर पाते ठीक है सो उसमें जो बैरियर्स हैं उन बैरियर्स में वोकेबलरी ग्रामर का स्ट्रक्चर समझ नहीं आना शब्द नहीं समझ आना ये तो होती होती है साथ ही साथ बैकग्राउंड का की जानकारी ना होना भी एक बैरियर का, का काम करता है और हर बार आर्टिकल लिखने वाला बैकग्राउंड बताएगा नहीं तो इसीलिए आपको थोड़ा अपडेट रहने की भी जरूरत है जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ठीक है बैंकिंग स्परेंट मैं तो पाँच साल के बाद इंग्लिश पढ़ रहा हूँ जब से इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किया हूँ आपसे ही इंग्लिश पढ़ रहा हूँ और हमें इंग्लिश में अब इंटरेस्ट भी आने लगा है चलो बहुत अच्छी बात है बैंकिंग स्परेंट एम के अब आओ यहाँ पे देखते हैं भाई ब्रीच ऑफ कन्वेंशन ब्रीच का मतलब क्या होता है कई बार बात कही है ब्रेक करना उल्लंघन करना वायलेशन करना कहाँ कहाँ देखते हैं जैसे किसी का आपने ट्रस्ट ब्रेक कर दिया तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया यानी जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था आपने उस कॉन्ट्रैक्ट का पालन नहीं किया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ब्रीच ऑफ प्रिवेसी भी होती है प्राइवेट प्राइवेट जानते हो आप ये चीज है तो प्राइवेट हो गया एडजेक्टिव प्रिवेसी जो है पी आर आई वी एस सी वाई ये उसी का नाउन का फॉर्म है यानी किसी की वैयक्तिकता का उल्लंघन हुआ है तो इन सभी जगहों पे वैसे ही ब्रीच ऑफ कन्वेंशन जो कन्वेंशन बने हैं जो नॉर्म्स बने हैं जो रूल बने हैं उनका उल्लंघन हुआ है ब्रीच ऑफ कन्वेंशन ये मतलब हो गया और इसके साथ साथ आपको एक और ब्रीच कई बार बता चुका हूं बी आर डबल ई सी एच जैसे ब्रीच ऑफ गन होता है बंदूक का जो पिछला हिस्सा है रियर पार्ट है रियर पार्ट के लिए टिपिकली हम रियर का मतलब पिछला आर ई ए आर उसके लिए ब्रीच लगाते हैं और ब्रीच बर्थ पोजीशन भी होता है जब बच्चा माँ के गर्भ से अपने सर के तरफ से नहीं पैर के तरफ से बाहर आता है तो उसे ब्रीच बर्थ पोजिशन कहा जाता है ठीक है तो एक शब्द के जितने तो रंग हैं अब आओ पढ़ते हैं रेड ऑन अप्रैल एट द इन इज अ सीरियस वायलेशन ऑफ द वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन ऑन विच नेशन ऑपरेट देयर मिशन इन फॉरन लैंड पांच अप्रैल को इक्वाडोर की रेड हुई है मैक्सिको एम्बेसी पे इन इनक्वेटो वो एक सीरियस वायलेशन है अब देखो ये पूरा का पूरा क्या कहा जाएगा यहां इन क्वेटो ये तो एक्स्ट्रा एडजेक्टिव भी हो गया या पूरा का पूरा लेना है इन क्वेटो वर्ब के पहले आया हुआ है जो वर्ब के पहले आया है, वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो इसे क्या बोलेंगे नाउन फ्रेज बोलेंगे नाउन फ्रेज बोलेंगे क्योंकि ये शब्दों का समूह है इतने सारे शब्द मिलकर के तो जो इक्वाडेर की रेड हुई अब ऑन अप्रैल फाइव पाँच अप्रैल को हुई कहाँ पे हुई मैक्सिको एम्बेसी में क्वेटो के अंदर वो एक सीरियस वायलेशन है किसका आफ द वियना कन्वेंशन का वियना कन्वेंशन का सीरियस वायलेशन है किस चीज़ के ऊपर है वो कन्वेंशन वो नियम किसके बनाए गए हैं ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन जो कूटनीतिक संबंध होते हैं देशों के बीच में जिसके ऊपर दो देश ऑपरेट करते हैं ख़ासतौर से अपने मिशन को फॉरन लैंडस में डिप्लोमेसी की जरूरत तभी तो पड़ती है कूटनीतिकता की जरूरत तभी पड़ती है द रेड वॉज अब देखो यहां पे एक लर्निंग और भी है कि द अगर हम लगा रहे हैं रेड के पहले इसका मतलब हम उधर इशारा कर रहे हैं जिस रेड का जिक्र पहले हो चुका है जब आप पैराजल्स के क्वेश्चन करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट अप्रोच होता है पैराजंबल के क्वेश्चन को सॉल्व करने का और मैं वहां आपको बताता हूं कि द लिखा हुआ जो स्टेटमेंट है वो इन जनरल ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं होता अब जैसे यहाँ पे द रेड ओपनिंग नहीं हो सकता क्योंकि रेड का जिक्र जो किया गया है पहले जो इक्वाडर ने रेड किया वो लिखने के बाद आप द रेड लिख सकते हो अदरवाइज द ओपनिंग में तभी आ सकता है जब वो शब्द या एक्सप्रेशन जो द के साथ लगा है उसके साथ द लगना जरूरी ही हो जैसे द यूएसए लिखा है तो वहां आप ये नहीं कह सकते ओपनिंग स्टेटमेंट में द कैसे लग गया वहां तो द यूएसए लगेगा क्योंकि तो यूएसए के साथ द लगेगा ही लगेगा तो इंग्लिश में हर एक चीज कॉन्टेक्स पर डिपेंड करती है द रीड वॉस्टूअरिस्ट जॉर्ज डेविज ग्लास अ फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लेफ्ट एंड फार्मर प्रेसिडेंट रफाइल कोरिया हु फॉर करप्शन अब देखो द रेट वॉज टू अरेस्ट जॉर्ज डाविड क्लास ये रेड किस लिए की गई थी अब यहां पर अगर मैं पूछूं आपसे टू अरेस्ट की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है जो कि आप एडवांस्ड वर्ब नॉन फाइनाइट में पढ़ते हैं और इसका इस्तेमाल वर्ब के तुरंत बाद हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे यह कॉम्प्लीमेंट्री यूज है ये कॉम्प्लीमेंट्री यूज है क्योंकि नाउन का इस्तेमाल हम सब्जेक्ट के तौर पे सब्जेक्ट के, के पूरक के तौर पे तो तो भाई जो जिरंड हैं और, uh, infinitives हैं हैं और वो के काम करते हैं। तो the raid was to arrest. Raid का पर क्या था यहां पे रेड किस लिए की गई थी जॉर्ज डेविज ग्लास को अरेस्ट करने के लिए अब ये हैं कौन ये हैं कौन अ फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लेफ्टेस्ट एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट रफाल तो अब यह आपका पूरा का पूरा एडजेक्टिव फ्रेज है इसी को एडजेक्टिव फ्रेज कहा जाएगा क्योंकि तो परिचय हो गया दो कॉमा के बीच में इसमें कोई वर्ब नहीं लगा हुआ है तो इसीलिए एडजेक्टिव फ्रेज है और हुटेंस फॉर करप्शन यह एडजेक्टिव क्लॉज हो गया जिनको करप्शन के लिए सेंटेंस किया गया है मिस्टर कोरिया नाउ लिविंग इन बेल्जियम हैज़ ऑल्सो बिन कन्वर्टेड फॉर करप्शन और जो प्रेसिडेंट थे तो जॉर्ज डेविस ग्लास तो फार्मर वाइस प्रेसिडेंट थे और जो प्रेसिडेंट है मिस्टर कोरिया फुल नेम और हाफ नेम वाला कॉन्सेप्ट भी देखो यहाँ पे लग रहा है राफेल कोरिया फुल नेम है मिस्टर कोरिया हाफ नेम है अब ही वो बेल्जियम में रह रहे हैं अब ये भी नाउ लिविंग इन बेल्जियम ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया मिस्टर कोरिया के बारे में अदरवाइज ये सब्जेक्ट है और ये उसके लिए बर्बा गया कि हेज़ ऑल्सो बिन उनको भी कन्विक्ट किया गया है

द केसेज अगेंस्ट देम आर पोलिटिकली मोटिवेटेड तो भाई जिनके ऊपर केस है वो ये कह रहे हैं कि ये केसेस सही हैं नहीं ये राजनीतिक रूप से प्रेरित केसेज हैं हमें फंसाने के लिए ये केसेज हमारे ऊपर चलाए जा रहे हैं बट फॉर इक्वाडोर प्रेसिडेंट डैनियल नोबोआ द केसेज अगेंस्ट द फॉर्मर एलिट्स वर पार्ट ऑफ इज लार्जर क्रूसेड अगेंस्ट करप्शन लेकिन इक्वाडोर जिसने रेड किया है उसके प्रेसिडेंट डल नोबोआ के अकॉर्डिंग ये जो केसेस हैं ये फार्मर एलिट्स एलिट्स का एलिट्स का मतलब क्या होता है जो समाज में बिल्कुल हायर लेवल पे हाई क्लास लोग हैं तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से हाई हाई क्लास कौन होगा तो इक्वाडोर के राष्ट्रपति का ये कहना है डैनियल नोबोआ का कि जो केसेस हैं फार्मर एलिट्स के वो पार्ट ऑफ हिज लार्जर क्रूसेड अगेंस्ट करप्शन यानी करप्शन के खिलाफ जो वो बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं क्रूसेड लड़ रहे हैं उसी लार्जर प्लान का ये हिस्सा है कि इन एलिट्स के ऊपर केस होना चाहिए इन्होंने बहुत लूट मच खसोट मचाई है टेंस वाई बिटवीन द टू कंट्रीजर मैक्सिकन एम्बेटो इनम्बर अंथ आफ्टर मिस्टर नोबोवा टूक ऑफिस टेंशन वर हाई टेंशन हाई थे बिटवीन द टू कंट्रीज दोनों देशों के बीच में जब मिस्टर ग्लास ने रेफ्यूज लिया मैक्सिकन एम्बेसी इन क्वेटो इन डिसम्बर यानी उनको पता लग गया कि भैया अब शरण हमें लेनी पड़ेगी और यह घटना कब घटी अ मंथ आफ्टर मिस्टर नोबोआ टूक ऑफिस नोबोआ कौन है अभी आपको तो? नाम भी ध्यान में रखना है इक्वाडोर के प्रेसिडेंट तो जैसे ही इक्वाडोर के प्रेसिडेंट नए बने डैनियल नोबोआ उनके प्रेसिडेंट बनने के एक महीने के अंदर अंदर ग्लास साहब ने जो है वो रिफ्यूज ले लिया कहाँ पे मैक्सिकन एम्बेसी इन क्वेटो उनको लग गया कि ये नए राष्ट्रपति हमें छोड़ेंगे नहीं लास्ट वीक इक्वाडोर डिक्लेयर्ड मैक्सिकोज एम्बेसिडर रकाल सर और एज परसोना नॉन ग्रेटा अगर आप मेरे स्टूडेंट रहे हैं तो हम क्लासेस में फॉरेन एक्सप्रेशन करते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी फॉरेन एक्सप्रेशन की पूरी लिस्ट अवेलेबल है क्लासेस अवेलेबल हैं। तो परसोना नॉन ग्रेटा का क्या मतलब होता है जो अनवेलकम्ड पर्सन है जिसके लिए कोई ग्रेटिट्यूड नहीं रखता कोई वेलकमिंग नहीं है उसके लिए कोई उसको कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करने वाले देखो हर ये शब्द मैं क्यों बोल रहा हूँ ग्रेटिट्यूड कॉन्ग्रेचुलेट इसमें ग्रेट शब्द आ रहा है तो ये परसोना नॉन ग्रेटा यानी इसको कोई वेलकम करने को तैयार नहीं है इसको कोई अपने देश में बुलाने को तैयार नहीं है वो वाली चीज हो गई सो so, यहां इक्वाडोर डिक्लेयर मेक्सिकोज एम्बेसडर एज ऑन नॉन ग्रेटा आफ्टर मेक्सिकोज लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट एंड्रेज मैनुअल दैट वर क्रिटिकल ऑफ इक्वाडोर्स ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इलेक्शन मेक्सिको ऑल्सो डिसाइडेड टू ग्रांट असाइलम टू मिस्टर ग्लास विच इक्वाडोर मेक्सिको ने भी तय किया तभी तो उनको उनको रिफ्यूज मिला वहां पे। तो मेक्सिको ने भी डिसाइड किया कि वो मिस्टर ग्लास को देंगे एंगर्ड इक्वाडोर और इस चीज ने डेफिनेटली इक्वाडोर को नाराज कर दिया क्योंकि भाई आप उसके दुश्मन को शरण दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पसंद नहीं करेगा इट टर्म द डिसन इलीगल इन द कंट्री एंड सून आफ्टर

एंड सून आफ्टर सेंट आर्म्ड पुलिस ऑफिसर्स और तुरंत इस देश ने इक्वाडोर ने आर्म्ड पुलिस ऑफिसर्स भेज दिए एम्बेसी में टू अरेस्ट हिम कि भाई अरेस्ट कर लो उसको ट्रिगरिंग अजर डिप्लोमैटिक क्राइसिस तो डेफिनेटली इन दोनों देशों में इस तरह की घटना कि आप किसी दूसरे देश में उनकी एम्बेसी में अपनी पुलिस फोर्स भिजवा करके जिसको उस देश ने शरण दी है उसको अरेस्ट कराएँ तो डेफिनेटली जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं उनमें दिक्कत आएगी और डिप्लोमेटिक क्राइसिस की तरफ आप आगे बढ़ेंगे और ये ट्रिगरिंग ट्रिगर करने का मतलब क्या होता किसी चीज़ है किसी चीज को शुरू करना जैसे जब आप ट्रिगर दबाते हैं गन की तो बंदूक आगे उसकी जो गोली है वो आगे जाती है तो ट्रिगर करने का मतलब किसी चीज को उकसाना उसको एक तरह से आप हिट दे रहे हैं कि भाई आगे जाके तुम काम करो तो इस पूरी घटना ने एक मेजर डिप्लोमेटिक क्राइसिस को जन्म दिया है मैक्सिको विच सेज इट सॉबीजीन ब्रीज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अब देखो मैक्सिको यहां पे आपके लिए सब्जेक्ट है हैज नाउ मूव्ड वर्ब है राइट right? नाउ जो है डेफिनेटली एडवर्ब हो गया हैज हेल्पिंग मेन वर्ब ये मैं बार बार इसलिए दिखाता हूँ कि जो आंखें बचपन से सब्जेक्ट अंग्रेजी पढ़ी है राज, वर्ब आता है भाई सब्जेक्ट के बाद चार चार लाइन तक वर्ब नहीं आता कई बार क्योंकि सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के, के बारे में लिखा हुआ है और वो जो बारे में लिखा हुआ है वो एडजेक्टिव या तो फ्रेज होगा या क्लॉज होगा या दोनों का मिक्स होगा तो अब यहाँ देखो विट सेज क्योंकि यहां पे वर्ब लगा हुआ है तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया मैक्सिको जो कि कहता है कि इसकी इसकी जो है, किस तरह से ऐसी चीजें कर सकता है वो क्या कर रहा है इन द नेदरलैंड नेदरलैंड में डिमांडिंग द एक्सपल्सन ऑफ इक्वाडोर फ्रॉम द एन ये डिमांड करते हुए नेशंस की लिस्ट में से इक्वाडोर को का एक्सपल्सन हो जाए उसको बाहर निकाल दिया जाए उसका ये जो एक्ट है वो बिल्कुल अनवॉर है और अनएक्सेप्टेबल है द एम्बेसी रेड उस समय हुई है जब कम्स एट अ टाइम व्हेन प्रेसिडेंट नोबोआ ये देखो ये पूरा का पूरा एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम है एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम है यहां का मतलब कब नहीं है जब है तो यह रेड, रेड तब हुई है जब प्रेसिडेंट नोबोआ राइजिंग गैंग वायलेंस वहां पे जो है गैंगवार जो है गैंग्स के बीच में वायलेंस बढ़ गई है तो डेफिनेटली इसके लिए प्रेसिडेंट नोबोआ की आलोचना उनके देश में हो रही है वो पावर में इसी वादे के साथ आए थे कि वो करप्शन को और गैंग वायलेंस को अच्छे तरीके से टैकल करेंगे लेकिन इंक्रीज क्रिटिसिज्म क्योंकि राइजिंग गैंग वायलेंस गैंग वायलेंस जो है वो बढ़ रहा है लास्ट ईयर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वॉज मार्ड बाई डेडली वायलेंस वन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट फर्नांडो विसेंसीो वॉज असासिनेटेड ड्यूरिंग द कैंपेन इन क्वेटो तो पिछले साल का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था जिसके बाद ये प्रेसिडेंट बने थे वॉज मार्ड बाई डेडली अब देखो मार कितना प्यारा शब्द है ये हिंदी वाले मार के साथ भी आएगा <laughs> तो मार्ड बाई डेडली वायलेंस वहाँ खूब सारी हिंसा हुई थी जब प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट फर्नांडो विलियो वॉज असैसिनेटेड ड्यूरिंग द कैंपेन इन क्वेटो तो प्रेसिडेंशियल एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की हत्या कर दी गई उनको असैसिनेट कर दिया गया देखो तो अब हत्या के लिए मर्डर शब्द भी आता है और असैसिनेशन भी आता है बट असैसिनेशन शब्द टिपिकली हम इस्तेमाल किसके लिए करते हैं जो पॉलिटिकल फिगर्स होते हैं उनके लिए असैसिनेशन शब्द का इस्तेमाल होता है

तो मिस्टर नुबोआ कहते हैं कि ही स्टेज कमिटेड वो बिल्कुल कमिटेड है किस चीज के लिए टू फाइटिंग गैंग्स अब यहां फाइटिंग की ग्रामेटिकल प्रोफाइल अगर पूछूं तो क्या है ये हाँ जी ये है जिरंड ये जिरंड है और टू के बाद लगा हुआ है ना टू क्या है प्रपोजिशन तो प्रपोजिशन किसके पहले पोजिशन होता है नाउन या नाउन क्यूवेलेंट के तो जिरंड होता क्या है नाउन का क्यूवेलेंट ही है ये एक्टिविटी हो गई ये मैं क्यों आपका ध्यान आकर्षित किया क्योंकि कुछ लोगों के मन में आएगा सर टू के बाद तो वर्ग की फर्स्ट फार्म आती है ना टू फाइट ये क्या हो गया ऐसा नहीं है आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू आई लुक फॉर्वर्ड टू लुक फॉरवर्ड टू एक साथ है लेकिन तुम किस चीज़ के लुक हो? उससे मिलने के 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 लिए लिए जिरंड है। तो से लड़ने इक्वाडोर जो शहर हैं, उनमें लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए कमिटेड हैं ये साहब ऐसा इन्होंने कहा लेकिन उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है

ग्लास अ कन्विक्ट इन करप्शन केसेज हैज स्पार्कड डिप्लोमेटिक क्राइसिस तो बात समझ में आ गई कि भाई इक्वाडोर ने रेड किया है मैक्सिकन एम्बेसी में क्वेटो में फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जॉर्ज डेविस ग्लास जो कि करप्शन केसेस में कन्विक्ट हैं उनको अरेस्ट करने के लिए और इस पूरी मामले ने स्पार्क किया है डिप्लोमैटिक क्राइसिस रेड सीन एज वायलेशन ऑफ द वियना कन्वेंशन केम आफ्टर मैक्सिको ग्रांटेड असाइल टू ग्लास विच इक्वाडोर डीम्ड इलीगल तो पूरा का पूरा मामला इक्वाडोर मैक् टेंशन मैक्सिकोज एम्बेडर वॉज नॉन ग्रेटा टेंशन और बढ़ गई एस्केलेट हो गई एस्केलेटर आपको ऊपर लेके जाता है ना मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी कितने जोक चलते हैं इसके ऊपर एस्केलेटर मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी तो टेंशन ने बढ़ा दिया है क्या मैक्सिकोज टेंशन uh, को किस चीज़ ने एस्केलेट किया है जब मैक्सिको के एम्बेसिडर को डिक्लेयर कर दिया गया कि वो परसोना नॉन ग्रेटा है यानी अनवेलकम्ड है following critical comments about Ecuador's 2023 election by Mexico's president. Mexico has now approached the International Court of Justice. उसने आरोप क्या लगाया है कि उसकी sovereignty का उल्लंघन हुआ है and demanding Ecuador's expulsion from the UN. इक्वाडोर को यूएन से एक्सपेल किया जाए, बाहर निकाला जाए और इस दौरान इक्वाडोर के जो प्रेसिडेंट हैं Daniel Novoa जिन्होंने ये pledge किया है to combat corruption कि वो करप्शन से लड़ेंगे and gang violence से is facing criticism over increasing gang violence. गए 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 इसका क्या मतलबेंट बड़ा ही ट्रिवियल मैटर हो और उसको लेकर के आप बड़े ज्यादा चिंतित हो जाए परेशान हो जाए तो वो होता है अस्टार्मी कप एग्जाम्पल देख लो द डलरेशन ऑफ मेक्सिकोज एम्बेडर रैकलिकोज लेफ्टेसिडेंट एंड्रेसिकल इलेक्शन कैन बी सी टीकअप राइट कॉजिंग अननेसेसरी डिप्लोमैटिक टेंशन ओवर रिमार्क्स दैट मे नॉट है लॉन्ग रन तो आपने छोटे से मुद्दे को बहुत बड़ा बना दिया वही है स्टार मिन टी कप, आइए अब चलते हैं पैसे रिलेटेड क्वेश्चन के ऊपर What is the main theme of the verses and tone? दोनों सवाल एक साथ बिल्कुल द डिप्लोमेटिक क्राइसिस बिटवीन इक्वाडोर एंड मैक्सिको मुझे लगता है किसी का गलत हुआ होगा बाकी सारे छोटी छोड़ छोटी घटनाओं का जिक्र है ये मेन थीम पैसेज का नहीं है द करप्शन केसेज एंड द पोलिटिकल सिचुएशन इन बेल्जियम बेल्जियम में कहां से पोलिटिकल सिचुएशन आ गई वहां पे तो रिफ्यूज की बात हुई है बस वॉट इज द टोन ऑफ द पैसेज ह्यूमरस इन्फॉर्मेटिव सरकास्टिक सो दिस इज वॉट इन्फॉर्मेटिव पूरे मामले की आपको यहाँ पे जानकारी दी गई है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है जो डिप्लोमेटिक क्राइसिस इस समय इक्वाडोर और मैक्सिको के बीच में चल रहा है तो ये इंफॉर्मेटिव है बाकी सारे के सारे बाहर हो जाएंगे वट वॉज द मेन रीजन फॉर इक्वाडोर्स रेड ऑन मैक्सिकन एम्बेसी इन क्वेटो टू अरेस्ट जॉर्ज डेविस ग्लास हुज हाइडिंग इन द एम्बेसी अगेंस्ट मेक्सिकोज डिसीजन टू ग्रांट असाइलम टू मिस्टर ग्लास

Why did Mexico move the International Court of Justice in the Netherlands to seek justice for the assassination of presidential candidate Fernando Villa to protest against the raid on its embassy in Quito which it considers a breach of its sovereignty, to challenge the declaration of its ambassador as persona non grata by Ecuador, and to dispute the corruption charges against Mr. Glass and Mr. Correa? So definitely what? में किसी के साथ जा रहा हूं विच इट कंसिडर्स ब्रीच ऑफ इट सॉबरेटी वॉट चैलेंजेज इज प्रेसिडेंट नोवो फेसिंग डोमेस्टिकली कौन से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं इंक्रीजिंग क्रिटिसम ओवर राइजिंग गैंग वायलेंस एंडिक्रीज इन अप्रूवल रीटिंग एक्जिशन ऑफ करप्शन एंड पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेज अगेंस्ट फार्मर एलिट्स टेंशन विथ मेक्सिको ओवर दसाइलम ग्रांटेड टू मिस्टर ग्लास And disagreements with Mexico's president over comments on Ecuador's 2023 elections. Correct option is फिफ्थ का ए वेरी गुड तो चैलेंजेस उनके वही हैं कि भाई उनको क्रिटिसम का सामना करना पड़ रहा है और उनकी अप्रूवल रेटिंग जो है वो गिरी है सरनीम और एंटनीम असाइलम का सिननीम और असैसिनेट का एंटनीम तो रिफ्यूज रिफ्यूज वही आपने जिसको रिफ्यूज मिलता है उसको हम रिफ्यूज ही कहते हैं जो अभिषेक बच्चन की पहली फिल्म थी और असैसिनेट करने का मतलब मार देना किसी को रिवाइव का मतलब उसके अंदर प्राण डाल देना फिर से वीआईवी वी लाइफ है री का मतलब अगेन मर्डर से न्यूट्रलाइज ये तीनों के तीनों शब्द असैसिनेट के क्या हैं सिरनी में असैसिनेट के सिरनी में न्यूट्रलाइज कर दिया ये आप खूब सुनते हैं जब आतंकियों को मारने की बात होती कि इतने टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया गया आंसर ऑफ द वर्ड कन्वेंशन एंड ऑफ द वर्ड ब्रीच प्रोग्रेशन प्रॉमिस कॉन्फ्रेंस डिसोल्यूशन एंड ट्रेस पास रप्चर ऑब्जर्वेशन कॉन्ट्रावेंशन कहीं से भी देख सकते हो तो कन्वेंशन का मतलब कॉन्फ्रेंस वही यहां पे है सही और ब्रीच का एंटनीम ट्रेस पास रपच्चर कॉन्ट्रवेंशन सब तो ब्रीच के ही शब्द हैं जैसे ट्रेस पासिंग इज अ पनिशेबल ऑफेंस आप देखते हैं ना कि कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी है सपोज एयरफोर्ट एयरफोर्स है आर्मी का कोई भी प्रेमाइस है वहां ट्रेस पॉसिंग नहीं कर सकते आप तो वो वायलेशन है तो ऑब्जर्व ऑब्जर्व करने का मतलब होता है कि उसका पालन करना एक तो ऑब्जर्वेशन होता है प्रेक्षण करना देखना उसको ऑब्जर्व करना जैसे होता है ना कि आज ये पूरे देश में ये ऑब्जर्व किया गया ये जयंती आज मनाई गई राइट यानी उसका अनुपालन हुआ तो ब्रीच जो है उल्लंघन है ऑब्जर्वेशन अनुपालन के लिए इस्तेमाल हो गया आइए ग्रामर वाले तीन क्वेश्चन लास्ट में इट टर्म द डिसीजन मिस्टर ग्लास फेसिंग डिस इन द कंट्री एंड सून आफ्टर सेंड आर्म्ड फोर्सेज पुलिस ऑफिसर्स टू एम्बेसी टू अरेस्ट हिम ट्रिगरिंग मेजर डिप्लोमेटिक क्राइसिस कंटेन एंड एरर देखो पढ़ते ही समझ आ गया सेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पूरी पूरी सेंड का होता है सेंट। तो बी जो है है तो जो वो इज़ना इज़ना खान पूछ रही हैं हैं आप बीच बीच में जुड़ी हैं क्या ब्रीच का मतलब होता है वायलेशन बच्चे अभी पूरा शब्द बताया मैंने उसके साथ एक और ब्रीच बताया है जितने लोग भी बाद में जुड़ रहे हैं ना ये ध्यान रखा करो कि सेशन में बिल्कुल जुड़ जाओ आप स्टार्टिंग से कोशिश ये होनी चाहिए विच सेंटेंस इन द पैसेज इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट कौन सा इनकरेक्ट है आप देख लो एक बार राइट हु यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है अरेस्ट जॉर्ज डेविस ग्लास, एक ही इंसान है ना वो उस इंसान के बारे में यह परिचय दिया गया है जो कि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ऑफ द लेफ्टिशन फॉर्मर प्रेसिडेंट रफाल कोरिया गया है करप्शन के लिए <laughs> उनको सजा मिली तो एक इंसान है रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट सिंगुलर है सिंगुलर के लिए हम हैज लगाएंगे एंड विच सेंटेंस इन पैसेज इज ग्रामेटिकली करेक्ट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे करने का तरीका आपको पता है ये रोज थोड़ा इसलिए बता देता हूं कि बहुत सारे लोग पहली बार भी सेशन देखते हैं हर सेंटेंस का फर्स्ट हाफ पार्ट एक साथ देखो फिर उसके आगे बढ़ो क्योंकि जब एक साथ देखोगे तो जहां पे चेंजेस हैं वो आपको दिख जाते हैं Is this uh, lecture helpful for IELTS, sir? Absolutely, it could be. Because in IELTS, they actually test uh, your four skills of language, that is, reading, listening, writing, and speaking. So you will get lots of content. The focus is on grammar, vocabulary, everything. to उसका कुछ न कुछ benefit आपको मिलेगा ही मिलेगा. D जो है वो correct option है. यहाँ पे देखो, Armed Police Force लिखा हुआ है, जो कि गलत है. और कहाँ-कहाँ पे errors हैं? Error बताइए मुझे. यहां पे फेसिंग केस लिखा हुआ है वही बात फेसिंग केसेस बड़े सारे केसेस उनपे चल रहे हैं बी यहीं पे खत्म हो जाता और और कौन सा वर्ड है इधर देखो आगे जैसे ही बढ़ोगे टू अरेस्ट हिम टू अरेस्ट हिम फॉर अरेस्ट हिम तो टू अरेस्ट हिम होगा फॉर नहीं होगा तो यानी ए बी सी तीनों में एरर्स थे और डी में कोई भी एरर नहीं है ठीक है चलिए जी तो क्या रहा स्कोर कार्ड आज का टेन में क्या स्कोर किया है आपने और देखो इन क्वेश्चंस को करने से जो आपकी मेंटल स्टेमिना है वो भी इंप्रूव होगी कि बहुत तेजी से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है देखना है स्नेहा के टेन सरिता के नाइन टेन टेन सेवन नाइन 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 एट नाइन सेवन टेन टेन एक ही बार एक को एक बार कमेंट करना है बस नाइन आदित्य एट नाइन एट सेवन टेन विक्रांत टेन रश्मि टेन मनीष फाइव क्यों हो गया जिया एट नाइन टेन शिल्पी के भी टेन हैं माही के सिक्स हैं ठीक है बैंकिंग स्प्रिंट एम के के नाइन है क्या बात है आप पाँच साल के बाद पढ़ रहे हो अच्छा है स्कोर शालिनी के चार महीने कंप्लीट हो गए हाँ मेरा मतलब चार महीने का मतलब मेरे भी चार महीने कंप्लीट हो गए आज ट्यूटोरियल को चार महीने हो गए कंप्लीट बिल्कुल सही बात है पंद्रह दिसंबर दो हजार तेईस से मैं नॉन स्टॉप एडिटोरियल करा रहा हूँ तो जो भी नए लोग जुड़े हैं आप यूट्यूब पर ढूंढेंगे मिल जाएगा पहले मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपो पे हो रहा था वो एट द रेट इंग्लिश एक्सपो ढूंढोगे आपको मिल जाएगा इंग्लिश एक्सपो में सत्येंद्र तिवारी पूरा नाम है उसके बाद करियर वेल के चैनल पे हो रहा था एसएससी 2024 करियर वेल एसएससी 2024 और अब एक तारीख से एक अप्रैल से इसी चैनल पे हो रहा है और अब आगे इसी चैनल पे चलता रहेगा भी बैंकर्स ग्राउंड तो यही पता है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रोज सुबह मुलाकात होगी विदाउट फेल हम कर रहे हैं तो दो तारीख से हाँ दो तारीख से इस चैनल पर हमने शुरू किया बिल्कुल नया चैनल है आपके प्यार की भी आवश्यकता है और इस वीक में आपके पास बहुत जल्द यहाँ पे पूरी डिटेल लिस्ट भी आ जाएगी सारे के सारे सब्जेक्ट की कि कब इंग्लिश की क्लास होगी कब मैथ्स की होगी कब रीजनिंग की होगी और ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म बैंकिंग एग्जाम्स के लिए एडिटोरियल तो चलेगा ही चलेगा बट बैंकिंग के लिए और जो मेरे एस वाले स्टूडेंट्स हैं Uh, या एस के एग्जाम आपको राइट करने हैं और ढंग से पढ़ना है तो उसके लिए जो मेरा यूट्यूब चैनल है उधर आपको एस एस सी वाले एग्जाम्स की क्लासेस मिलेंगी बिल्कुल डेडिकेटेड तरीके से तो जो इस वीक में एग्जीक्यूट हो जाएगा एक से दो दिन के अंदर अंदर ठीक है सो दैट्स ऑल्व फॉर दिस सेशन थैंक यू वेरी मच गाइज ये बैच है आपका ग्रामर बूस्टर बैच जो कंप्लीटली ग्रामर को डील करेगा और बिल्कुल डिटेल्ड मैनर में माइनस uh, लेवल से लेकर के आपको एडवांस लेवल तक लेके जाएगा आज यहाँ पे नाउन चैप्टर शुरू होगा फाउंडेशन क्लासेस मैंने कर ली हैं और इस बैच की जो टाइमिंग है वो पाँच बजे से लेकर के ना सवा छः तक है तो और अगर आप लाइव नहीं भी जुड़ पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आप क्लासेस बाद में भी देख सकते हैं बट ये टाइमिंग है इस बैच की ठीक है तो इसमें एनरोल कर लीजिए बहुत ही नॉमिनल फीस है मतलब बहुत ज़्यादा नॉमिनल जितना ज्ञान आपको मिलेगा उसके हिसाब से और इसीलिए रखी गई है कि सभी तक पहुंच जाए कहीं किसी को कोई दिक्कत ना हो और एक बार ढंग से समझ के पढ़ लो रूल रटने की समस्या खत्म हो और ये हमारा कंप्लीट बैंकिंग का बैच है जो सारी सभी एग्जाम्स को टारगेट करता है और जो सारे सब्जेक्ट्स हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है और फीस सिर्फ वन है ना कहीं आना है ना कहीं जाना है ना अलग अलग सब्जेक्ट की फ़ीस पे करनी है एक ही बैच में क्लर्क हो पी हो स्पेशलिस्ट ऑफिसर हो बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक हर तरह के एग्ज़ाम की यहाँ पर तैयारी हो जाती है और भर भर के बच्चे हैं जो इसी बैच से पढ़ के तीन तीन चार चार एग्जाम क्लियर करके बैठे हैं बैंकिंग फील्ड के अंदर तो यही वो बैच है यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हैं दैट सॉल्व फॉर टूडेज क्लास थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए मैं ये सब पहले नहीं बोलता था बोलने लगा हूँ क्योंकि आपके सपोर्ट की आवश्यकता है नया चैनल है ये इसको जल्दी से जल्दी दस हज़ार पहुँचाओ आप ठीक है चलो बहुत धन्यवाद सेशंस इस वीक में आपके शुरू हो जाएंगे मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग के भी पढ़ाई वाले मैं लास्ट में भी कमेंट देख रहा था आप कह रहे थे कि सर आप शुरू करो पढ़ाना तो बिल्कुल यहाँ पे भी पढ़ाई शुरू होगी आपकी आ, उसका पूरा का पूरा जो डिटेल्ड डी स्ट्रक्चर है वो बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच हैव अ ग्रेट डे अहेड थैंक यू